मां बगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, मां बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान राकेश प्रभाकर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मनुष्य की हर सोच उसके जीवन के खेत में बोया गया एक बीज ही है। यदि मनुष्य अच्छी सोच के बीज बोएगा तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरी सोच के बीज बोएगा तो बबूल ही मिलेगा। भविष्य को स्वर्णमयी बनाने के लिए उन बीजों का ध्यान देना होगा जो आज बो रहे हैं। इस दौरान नवजीत भारद्वाज ने 9 मई को आयोजित किए जा रहे मां बगलामुखी जयंती उत्सव पर सभी मां भक्तों से आवाहन किया कि इस शुभ अवसर पर सपरिवार पहुंचने एवं हवन यज्ञ में आहूतियां डालें। इस अवसर पर विभिन्न कलाकार अपनी हाजिरी लगाएंगे। इस अवसर पर बलजिंदर सिंह, रोहित बहल, यज्ञदत्त, अवतार सिंह, पंकज, राजेश महाजन, बाबा खन्ना, मोहित बहल, सोनू छाबड़ा, नवीन, विकास अग्रवाल, दिशांत शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ पीतांबरा के भव्य मंदिर के अज सवेर तो ही जिहड़ा श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ है उसके लिए भगतों का हजूम जिन्हों तांता आपां कहिंदे आ लग गया सी, और सारे सुनियोजित ढंग दे नाल बैठे और दादी के चरणों के अरदास बेनती की, और हवन यज्ञ के आहुतियां डाल के अपनी मन मनौतियां और जो भी माँ के प्रति अपनी निष्ठा सी या अपने कोई भी मन दे विच भाव सीगे वो प्रगट किए, और माँ पीतांबरा के चरणों में अरदास बेनती की है कि माँ साडे सारयां दे घर परिवार और समाजिक तौर पर भी हर पास्यों खुशियां और जिहड़े भी साडे रुके हुए कार्य है वो सारे निर्विघन हो के सब बाधावां दूर होण, और साडे ते इस तरह ही अपनी कृपा दृष्टि रखो ता जो असीं तुहाडे दरबार च आ के लगातार नतमस्तक हुंदे रहीए। इस दे नाल मैं दसना चाहता कि 9 मई नूं एक बहुत ही भव्य जिहड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा जो कि सोमवार सवेरे लगभग 6 बजे तो हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा। कोई भी भगत सारा दिन खुला सद्दा है आ के हवन यज्ञ च आहुतियां डालना चाहता है, आप अपने परिवार के नाल अपने मित्र संबंधियों के नाल आओ दरबार दे विच आ के नतमस्तक होवो, हवन यज्ञ च आहुतियां डालो, अपनियां झोलियां खुशियां दे नाल भरो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि उस दिन सवेर तो ही सवेरे 9 बजे तो जदों वड्डा हवन यज्ञ दा एक पूर पहले वाला फेज़ हो जाएगा उस तो नाल ही 9 बजे तो भजन मंडलियां शुरू हो जाएंगी दाती का गुणगान करने लई, जिहड़ा महामई की इच्छा तक देर रात्रि तक जारी रहेगा।